आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां। राजस्थान में मृदा से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के लिए क्लास उपयोगी साबित हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है, यानी कि राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक दृष्टि से कितने प्रकार से विभाजन किया गया है। तो राजस्थान में वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान में पांच प्रकार की मिट्टी कितनी है, पांच प्रकार की मिट्टी है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। अब राजस्थान में जो वैज्ञानिक दृष्टि से पांच प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वह कौन कौन सी है और कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, इस प्रकार का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से एंटीसोल मृदा पाई जाती है, जो कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि मरुस्थलीय जिलों में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। इस मरुस्थल क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो शुष्क मरुस्थल क्षेत्र और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, और यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में एल्डोसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और उसके बाद में अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पथरीले क्षेत्रों में इनसेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी राजस्थान जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहां पर मुख्य रूप से अल्पीसोल मिट्टी पाई जाती है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। ये पांच प्रकार से राजस्थान में वैज्ञानिक दृष्टि से मिट्टी के वर्गीकरण किए गए हैं। फिर आगे क्वेश्चन आएंगे, इनके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। और क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र में। अगर जिले पूछे तो आपका आंसर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, किसे? वर्टिसोल मिट्टी का। अब वर्टिसोल मिट्टी जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से जिले पूछे तो आपका आंसर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस वर्टिसोल मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बेसाल्ट लावे के द्वारा इस वर्टिसोल मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और इसके मिट्टी के कण बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसमें जल की मात्रा ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है, और जब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो यह मिट्टी फूल जाती है, और जैसे इसमें ये मिट्टी सूखती है तो ये सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और ये राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा आद्र और अति आद्र क्षेत्रों में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, और इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कपास अधिक होता है, काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब यदि वर्टिसोल से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? अब राजस्थान के कौन से जिलों में नहीं पाई जाती है? तो ये राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इन जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इसके अंदर झालावाड़, बारा है, कोटा और भरतपुर है, बूंदी और बांसवाड़ा है, धौलपुर और करौली क्षेत्र में मुख्य रूप से ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है वर्टिसोल मिट्टी। कौन सा? धौलपुर और करौली। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से अल्पीसोल मिट्टी पाई जाती है, अल्पीसोल मिट्टी जिसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है?
कोटा बूंदी में पाई जाती है, बारा कोटा में पाई जाती है, बीकानेर चूरू में नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का, क्योंकि बीकानेर और चूरू क्षेत्रों में मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल मृदा मुख्य रूप से राजस्थान में पथरीले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से पथरीली मृदा होती है, पथरीली मिट्टी होती है, और यह मुख्य रूप से अरावली क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सिरोही में, उदयपुर में, पाली में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, इन जिलों में मुख्य रूप से इनसेप्टिसोल मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में मुख्य रूप से इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। जयपुर, दौसा और अलवर में अल्पिसोल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? अल्पिसोल मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी और बारा, इन क्षेत्रों में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, इनसेप्टिसोल मिट्टी, जो कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इसके अलावा और भी जिले याद रखना, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में भी देखने, और एक अजमेर, एक अजमेर, इन जिलों में इनसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र में, और जिले पूछे तो कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल मृदा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा संभाग में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है वर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर होगा वर्टिसोल मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अल्पिसोल मिट्टी जो मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अल्पिसोल मिट्टी, और यह राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी को वैज्ञानिक दृष्टि से अल्पिसोल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एंटीसोल मिट्टी जो अरावली का पश्चिमी मरुस्थल जिले हैं, जो लगभग 12 जिले हैं, इन जिलों में मुख्य रूप से एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है, और इनसेप्टिसोल मिट्टी जो अरावली क्षेत्र है, इन जिलों में पाई जाती है, अजमेर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाई जाती है इनसेप्टिसोल मिट्टी। और एक आती है एरिडोसोल मिट्टी, जो राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जो सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और जालौर, इन जिलों में पाई जाती है एरिडोसोल मिट्टी, जिसके मुख्य रूप से चार उप भाग है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और ये पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, जो मरुस्थलीय जिले हैं उन जिलों में पाई जाती है एंटीसोल मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का।
और पूर्वी राजस्थान में कौन सी अल्पी सोल मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? एरिडोसोल। एरिडोसोल मुख्य रूप से राजस्थान के सीकर, झुंझुनू यानी कि शेखावटी क्षेत्र, नागौर, जोधपुर और जालौर क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है एरिडोसोल मृदा, जिसके चार उपभाग हैं। अल्पीसोल मृदा जो राजस्थान की पूर्वी राजस्थान यानी कि जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अल्पीसोल मिट्टी, जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, इन जिलों में पाई जाती है अल्पीसोल मृदा। इसके अलावा इनसेप्टिसोल मृदा, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। इनसेप्टिसोल मृदा जो राजस्थान में सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाई जाती है, जहां अरावली का क्षेत्र पाया जाता है, जो इसे बोलते हैं पथरीली मृदा, ये मुख्य रूप से इनसेप्टिसोल मृदा होती है जो पाली और सिरोही जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। और वर्टिसोल मिट्टी कहां पाई जाती है? जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? एरिडोसोल, अल्पीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल। इसका राइट आंसर होगा एंटीसोल मृदा, जो कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, इनकी अरावली की जो पश्चिमी जिले हैं, इन सभी जिलों में मुख्य रूप से एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। और एरिडोसोल मिट्टी अरावली की पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, केवल और केवल अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। और एंटीसोल मिट्टी जो कि शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इन दोनों में पाई जाती है एंटीसोल मृदा, और एरिडोसोल मृदा जो केवल और केवल अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, थोड़ा बहुत पाली का क्षेत्र है, और इसके अलावा जालौर के अंदर एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? ये एरिडोसोल, एरिडोसोल्स जो मिट्टी है, जिसके चार उपभाग हैं, कौन कौन से? एक का नाम है कैल्सी ऑर्थिड्स, एक का नाम है केम्बो ऑर्थिस्ट, एक का नाम है सेलो ऑर्थिस्ट, एक का नाम है पेली ऑर्थिस्ट। इसके मुख्य रूप से चार उपभाग हैं, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले में ये देखने को मिलती है, क्योंकि ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्पीसोल मृदा पाई जाती है। अल्पीसोल मिट्टी जिसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जो कि राजस्थान के उपाद्र और आद्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? अल्पीसोल मिट्टी। और अल्पीसोल मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और उपाद्र और आद्र क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और इनके जिले पूछे तो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से अल्पीसोल मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा के अंदर अल्पीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इसके जलवायु क्षेत्र पूछे तो उपाद्र और आद्र जलवायु क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। और जिले पूछे तो आपका आंसर होगा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और चूरू, झुंझुनू, सीकर में एरिडोसोल, एरिडोसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर में एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और प्रतापगढ़ और सिरोही में इनसेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है लगभग 61% पर फैला हुआ है, और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में मुख्य रूप से एरिडोसोल और एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, और इन दोनों में से भी यदि एक एक ऑप्शन आए तो आपका आंसर होगा एंटीसोल प्रकार की मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, और ये जोड़ों में ऑप्शन आया तो आपका आंसर होगा एरिडोसोल और एंटीसोल, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती पठार की मिट्टी है कछारी जलोट, ये तो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जिसे अल्बिसोल प्रकार की मिट्टी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पीछे जानकारी दे दी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? चाहे मध्यम काली मिट्टी पूछे, या वर्टिसोल मिट्टी पूछे, या कपासी मिट्टी पूछे, या सतह जुताई वाली मिट्टी पूछे, तो आपका आंसर एक ही होगा, हाड़ौती क्षेत्र में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है, अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, और इसका निर्माण पूछे तो आपका आंसर होगा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बेसाल्ट लावे से मध्यम काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? लाल मृदा, भूरी रेतीली मृदा, मध्यम काली मृदा। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो सिंपल आंसर है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? सिंपल आंसर होगा कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर का। और अजमेर और पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, इन जिलों में कौन सी पाई जाती है? इन सेप्टिसोल प्रकार की मिट्टी। चूरू, झुंझुनू, सीकर में एरिडोसोल प्रकार की मिट्टी। अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या के दीर्घकालीन हल है वह है, इनके ऐसा कौन सा खनिज है जो मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम एक उर्वरक खनिज है जिसमें मिट्टी की में लवणता व क्षारीयता को समस्याओं के समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है मिट्टी में। और जिप्सम राजस्थान में नागौर जिले में पाया जाता है, नागौर के गोट मांगलोत खनन क्षेत्र है, इसके अलावा बीकानेर का जामसर क्षेत्र, जहां से मुख्य रूप से जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम जिसे हरसोट या खड़िया कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जिप्सम को खड़िया कहा जाता है। जिप्सम का एक अन्य नाम मिलता है हरसोट, और यह राजस्थान के नागौर के गोट मांगलोत क्षेत्र में, और इसके अलावा ये मुख्य रूप से जामसर बीकानेर में देखने को मिलता है। अब बात करूं कि राजस्थान में लवणता की समस्या कहां देखने को मिलती है, मिट्टी में लवणता की समस्या कहां देखने को मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक मिट्टी में लवणता पाई जाती है, क्योंकि उस मिट्टी के ऊपरी सतह पर सोडियम, यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ऊपर मिट्टी के ऊपर मिट्टी के ऊपरी सतहों पर यह मुख्य रूप से इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मिट्टी लवणता से ग्रसित हो जाती है, और जिसके समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और जो मिट्टी लवणी होती है उसे मिट्टी को उसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा
पूछा जा सकता है, जिसे नमकीन मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे रेह मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ऊसर मिट्टी, नमकीन मिट्टी, रेह मिट्टी या लवणीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो लवणता से अधिक ग्रसित होती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके समाधान के लिए मुख्य रूप से हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी लवणता से जो ग्रसित है, ये मुख्य रूप से हनुमानगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इंदिरा गांधी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, वह खनिज जो मिट्टी की सारियता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग के क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है, जिसका नाम है जिप्सम, जिसका नाम है जिप्सम, और जिप्सम सर्वाधिक कहां पाया जाता है, नागौर में पाया जाता है, इसके अलावा बीकानेर में भी पाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा नागौर, नागौर का गोटमांगलोर, बीकानेर का जामसर, इसके अलावा थोड़ा बहुत बाड़मेर क्षेत्र में भी पाया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र के मोहनगढ़ क्षेत्र में भी पाया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं सारियता की समस्या का समाधान है, तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम का उपयोग करना, इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, खेती में जिप्सम का। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो राजस्थान में भूरी मिट्टी बनास एवं बनास की सहायक नदियों के क्षेत्र में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, और भूरी मिट्टी जो बनास नदी और बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, जिसका जो अफ्फा तंत्र है, वहां पर मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, और ये मुख्य रूप से अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। अगर जिले पूछे थे कौन कौन से जिलों में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, तो ये जिले एक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, और भूरी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, जैसलमेर में नहीं, भरतपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बूंदी में, बाड़मेर में, इसका राइट आंसर होगा बूंदी में, क्योंकि बनास और बनास की सहायक नदियों के क्षेत्र में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है, बाड़मेर में नहीं, नागौर में नहीं, जालौर में नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सवाईमाधोपुर। अब आपको ये जिले याद रखना, उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर से बनास नदी जाती है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा, बूंदी, थोड़ा अजमेर का क्षेत्र, इसके अलावा टोंक का क्षेत्र, और इसके अलावा सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी पाई जाती है। और यदि नदी का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा बनास नदी, और बनास की सहायक नदियों के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है अरावली के पूर्वी भागों में, कौन सी, भूरी मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोम मिट्टी, सिरोजमी मिट्टी, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी, तो इसका राइट आंसर होगा सिरोजमी मिट्टी, जो राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से सिरोजमी मिट्टी पाई जाती है। सिरोजमी मिट्टी जिसका रंग पीला प्लस भूरा होता है, जिसका रंग पीला और भूरा होता है, इस सिरोजमी मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इस कारण इसमें उर्वरक क्षमता की कमी होती है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में पाई जाती, कौन सी, सिरोजमी मिट्टी। और सिरोजमी मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार वापिस रिपीट करता हूं कि राजस्थान में सिरोजमी मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, तो सिरोजमी मिट्टी नागौर,
पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में पाई जाती है। और इसे सिरोज मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे दूसर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग कैसा होता है? इसमें पीला और भूरा रंग होता है। किसका? सिरोज मिट्टी का। और सिरोज मिट्टी जिसमें उर्वरक क्षमता की कमी होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए इसमें उर्वरक क्षमता की कमी होती है। इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, कथन एक, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। बिल्कुल पहला कथन सही है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज मिट्टी जिसमें उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्यों से प्रश्न करोगे तो इसका कारण मिलेगा, क्यों कम होती है? क्योंकि सिरोज में मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, इसलिए राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज में मिट्टी में उर्वरक शक्ति की कमी पाई जाती है। इसलिए कथन भी सही, कारण भी सही। कथन की कारण व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। क्योंकि ऊपर कथन दिया हुआ है और नीचे कारण दिया हुआ है, जब कथन से क्यों से प्रश्न करोगे और उसका उत्तर मिल जाता है तो यह कथन भी सही, कारण भी सही और कथन की कारण व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, सिरोज माता किस जिले में मिलती है? वह है झालावाड़ में नहीं, क्योंकि झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं वर्टिसोल मिट्टी, झालावाड़ बारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। तो आपको इतने जिले याद रखना है, एक तो जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, पाली में, इन जिलों में मुख्य रूप से सिरोज में मिट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं दूसर मरुस्थलीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन, जिलों के जिस युगम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है? अब जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? जैसे जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं दोमट मिट्टी, जिसे कच्छारी मिट्टी, जिसे अल्पीसोल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मृदा के कारण इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होने के पीछे कारण इस मिट्टी में चूना, पोटास, लौह तत्व और कैल्शियम तत्वों की अधिकता होने के कारण जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और यह राजस्थान के मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अगर जिले पूछे तो आपका आंसर होगा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वाई माधोपुर और थोड़ा चंबल नदी वाला क्षेत्र, कोटा क्षेत्र के अंदर भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो आपको इतनी याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी या कच्छारी मिट्टी या इसे अल्पीसोल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान में इन जिलों में पाई जाती है। और यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें चूना, पोटास, लो तत्व और कैल्शियम तत्वों की अधिकता होने के कारण जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी के कारण इसका निर्माण होता है। बस इतनी बातें याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर, स्वाई माधोपुर और धौलपुर, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। आपको ये जिले याद रखना है, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वाई माधोपुर और कोटा क्षेत्र, इन जिलों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है जिसे अल्पीसोल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे दोमट या कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालू मृदा, पीली मृदा, लाल एवं पीली मिश्रित मृदा। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ क्यों होती है? कारण पूछे तो आपका आंसर होगा चूना पत्थर की अधिकता है, पोटास की अधिकता है, लो कणों की अधिकता है और कैल्शियम तत्वों की अधिकता होने के कारण जलोढ़ मिट्टी जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये इसका कारण है। कथन कारण के रूप में यदि प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार इसका
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा में नहीं, बूंदी में नहीं, बारा में नहीं, इसका राइट आंसर होगा दौसा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और कहीं जोड़े में ऑप्शन आए कोटा, तो वहां कोटा के अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है चंबल नदी के द्वारा लाई गई मृदा के कारण। अगला क्वेश्चन, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। कहां पर नहीं पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है, लेकिन कोटा में नहीं पाई जाती है, जयपुर में और अलवर में भी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है, यानी कि राजस्थान के कौन से जिलों में लाल लोम या लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में। राजस्थान में ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन चारों जिलों में के कुछ क्षेत्रों में लाल लोम मिट्टी देखने को मिलती है, जिसे लेटराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल लोम मिट्टी जिसे लेटराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें मुख्य रूप से लौह तत्व की अधिकता है, यानी कि इसमें लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है। लाल लौह मिट्टी जिसमें लौह ऑक्साइड कणों की अधिकता है और तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में होती है। और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलती है, और इसका रंग लाल रंग भी होती है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, लाल चिकनी बलुई मिट्टी जिसे लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो सिंपल इसका आंसर है उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है चूरू में, जोधपुर में, करौली में या डूंगरपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर, क्योंकि लाल लोम मिट्टी जिसे लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें लो ऑक्साइड तत्वों की अधिकता है और जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसे लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। लाल लोम मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। और जिप्सी पेरस मिट्टी बीकानेर के अंदर पाई जाती है, रेवरीना मिट्टी बीकानेर, सॉरी गंगानगर में पाई जाती है। कहां पर? गंगानगर में, और जिप्सी पेरस बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की अधिकता है? अब लाल दोमट मिट्टी अधिकता कहां पाई जाती है? तो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी जिसे लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।